हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और इसमें से बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ होगा ये। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो भी आप लोग भी अपने अपने जो भी ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और इंसिडेंट ये है कि बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो एक्चुअली मैं एवरी वीक या एवरी डे कुछ ना कुछ मेरा ऑनलाइन आता ही रहता है, आर्ट मटेरियल आते रहते हैं। जैसे मैं हमेशा ये रिव्यू करता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, और कुछ कुछ चीज़ें पसंद नहीं आते तो वापस वो चली भी जाती हैं। तो मैंने एक चारकोल पेंसिल भी ऑर्डर किया था मैंने, तो चारकोल पेंसिल तो आ तो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को बताने के पहले, अनबॉक्सिंग करने के पहले या फिर रिव्यू देने के पहले, पहले मैं खुद ही होमवर्क करता हूँ, खुद ट्राई करता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने देखा कि अभी मुझे ब्रांड भी याद नहीं रहता कि मैंने कौन सा कौन सा ब्रांड ऑर्डर किया है, कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। वो जैसे जैसे आते रहते तो मैं उसको ट्राई करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। तो वैसे ही मेरे पास एक कोहिनूर का आया मुझे, तो चारकोल को मैंने, वाइट चारकोल है, उसको ट्राई करने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसका जो बॉक्स है उस पर ही रन करके देखता हूँ, लेकिन उस पर नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि मेरा जो डेस्क है वो डार्क कलर का है, उस पर भी प्ले करता हूँ, तो भी काम नहीं किया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ऑयली होगा तो चारकोल पेंसिल काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि कहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इसका रिव्यू भी मुझे देना है, आप लोगों को भी बताना है। तो फिर मैंने सोचा कि जिसके लिए मैंने लिया है ब्लैक शीट के लिए, उस पर रन करके देखता हूँ। उस पर प्ले किया मैंने, उस पर भी नहीं चला। तो मैंने सोचा कि ये जो मैंने इसको रिव्यू करने वाला था, अब तो ज़रूर रिव्यू करूँगा, क्योंकि ये जो मैंने पैसे जो डाले हैं इसमें वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि किसी और का वेस्ट ना हो जाए। तो इसके लिए मैं इसका रिव्यू करूँगा और चाहूँगा कि कोई ख़रीदे नहीं इसको। तो फिर मैंने सोचा कि इसको, चलो अब एक बार इसको क्लीन तो कर लेता हूँ मैं, हो सकता है कि पैकिंग में कहीं ऑयली हो गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने इसके जो टिप है उसको मैंने टच किया, तो मैं शॉक्ड रह गया। शॉक्ड इसलिए रह गया कि ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैंने सोचा कि ये इतने सॉफ्ट भी नहीं आते चारकोल पेंसिल। तो मुझे याद आया कि मैंने एक ऑनलाइन पेंसिल इरेजर भी ऑर्डर किया है, और ये जो है पेंसिल इरेजर है जिसको मैं चारकोल समझ के प्ले कर रहा था, रन कर रहा था, इसको मैं चला रहा था हर जगह। तो मैं कोशिश कर रहा था कि ब्लैक शीट पे ऐसे चलेगा, तो ये चलने के लिए नहीं, ये तो मिटाने के लिए। तो ये कुछ फ़नी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। फिर मैं सोच में रह गया कि आखिर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी एक चीज़ आप ऑर्डर करो तो आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये ऑर्डर किया है, ये चीज़ आने वाली है, आपका एक्साइटमेंट लेवल रहता है। लेकिन इसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो पेंसिल है वो इतनी जल्दी आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में रिव्यू देने वाला हूँ मैं। पर्सनली मुझे तो ये बहुत पसंद आया। इसको मैं रिव्यू क्यों करने वाला हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मोनो इरेजर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है, लेकिन अचानक से वो मार्केट में नहीं है। तो अभी क्या उसकी जगह कुछ तो हमें चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इरेजर जो है वो बहुत ही थिक होते हैं, तो उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते वैसे जैसे हम लोग मोनो इरेजर को करते हैं, क्योंकि हमें हेयर करना पड़ता है, हमें जो बहुत क्लोज जो चीज़ें होती हैं उसको हमें आदत पड़ चुकी है उसके लिए। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे देखे हैं मैंने पेंसिल इरेजर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही बचता है। तो ये पेंसिल इरेजर जो है इसको मैं रेकमेंड करता हूँ, आप ले सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा आपको, और इसमें बस यही एक है कि आपको इसको शार्पन करना पड़ेगा। और क्योंकि मोनो इरेजर में एक पैरेलल आपको एक इरेजर होता है जो कॉन्स्टेंट एक ही साइज़ का होता है, जिसमें आपको शार्पन नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको शार्पन करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करना है तो आप इसको पॉइंट को और पतला कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल हेयर को आपको करना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनली मुझे पसंद आया, और होपफुली आप लोग को भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो पहले मैं होमवर्क करके करता हूँ, और इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कोहिनूर भी रखा है, और ये हमारा मोनो इरेजर भी है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रीज़न ये था मेरा ये प्रोडक्ट को दिखाने का, कि अभी मोनो इरेजर बहुत ज़्यादा चलता है और एवरी आर्टिस्ट जो है सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी ये मार्केट से आउट है, और इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल ही हाई है। हाई मीन्स कि इसका 999 है, इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 999, और इसका ऑलमोस्ट 300। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें तीन पेंसिल्स हैं और इसमें सिर्फ एक ही है। अगर इसके साथ अगर आप लिड भी लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस जो है मैंने देखा है 2599। तो ये प्राइस में अभी मार्केट में है, तो फिर ये लेने का कोई मतलब नहीं बनता। और इसके बदले हम क्या यूज़ करें उसका भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिटेल करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हेयर का जो हम डिटेल करते हैं, या फिर आप
आइज़ में या फिर लिप्स में, बहुत सारे डिटेल जो है हम पोर्ट्रेट में करते हैं, बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं उसमें हम ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो इसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो थिकनेस है इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये चीज़ें, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने ट्राई किया है, तो बहुत सारे लोगों का भी रिक्वेस्ट था कि आप मोनो इरेजर के बदले कौन सा यूज़ करें, तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ शेड्स जो है वो ट्राई करने वाला हूँ। और इसकी बेनिफिट ये है कि जैसे ये इसका जो आप देख रहे हो इसका यहाँ पे आप देखो, तो ये जो है ना इसमें आपको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इसको शार्पन भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको बिल्कुल ही डिटेल करना है तो आप इसको शार्पन कर सकते हो। तो जितना मुझे ज़्यादा डिटेल करनी होगी मैं इसको और ज़्यादा शार्पन कर लूँगा मैं। तो ये रहा, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और सबसे पहले तो एक तो हम शेड जो करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेयर का, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको हम करने वाले हैं आज। तो दोनों साइड से हम करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं इसको फिल करता हूँ। ये जो दोनों साइड में मैं इसको एग्जांपल करने वाला हूँ, एक मोनो इरेजर का और दूसरे साइड में कोहिनूर का, तो उसमें हम एक साइड में ही कंपेयर करेंगे तो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ अभी, तो ये एक सिर्फ दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं अभी इसको ब्लेंड कर लूँगा। और मेकअप ब्रश को मोस्टली यूज़ करते हैं हेयर के लिए, क्योंकि ब्लेंड बहुत अच्छे से करते हैं। और इसमें जो है टिश्यू पेपर में क्या होता है, या फिर ब्लेंडिंग टूल जो हमारा पेपर स्टैम्प है, कि वो जो ग्रेफाइट है वो खुद अब्जॉर्ब भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रश है वो अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ जो पेंसिल्स हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो शेडिंग भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ हेयर के लिए कर रहा हूँ, और वो भी दिखाने के लिए। ये मैंने कुछ बिल्कुल ही लाइट जो है आपको दिखाने के लिए मैंने कर लिया। और ये ब्लेंड होने के बाद फिर हम सबसे पहला जो ट्राई करेंगे वो है मोनो इरेजर को, और इसमें अभी देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, जैसे हमें मुझे यहाँ पे शाइन देनी है। तो मैंने कुछ यहाँ पे इसको ऐड किया शाइन, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कुछ मैंने यहाँ पे शाइन दिया है, और जैसा कि हमेशा ही देते हैं थोड़ा इसमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आप ये करने के बाद फिर हम इसमें पेंसिल का भी यूज़ करते हैं यहाँ पे इन बिटवीन जो भी एक्स्ट्रा हेयर निकले होते हैं। और आप एक एक हेयर का भी ऐसे डिटेल कर सकते हो। और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे पेंसिल का, तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका कुछ ऐसे आएगा शाइन का हेयर में। और ऑन द सेम टाइम हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे शाइन देनी है तो इसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा ही दिख रहा है। और इसमें मुझे ज़्यादा हाँ देख रहे हो, तो ये कहीं से भी मुझे कम नहीं लगा,
और इसमें जो है मुझे क्या बेनिफिट ये मिलता है, दोनों में कंपेयर मैं कर चुका हूँ, ये जो है यहाँ कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ही फिक्स नहीं है, तो ये हिलता ज़रूर है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे जो है ये पूरी तरह से फिक्स होता है, ये वुडन देख रहे हो कवर के कारण ये फिक्स रहता है, तो कहीं कहीं आपको एकदम डिटेल करना हो या एकदम शार्प देना हो तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये मुड़ जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो ये जो है ये कहीं कहीं मुड़ जाता है, ये तो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे जो है एकदम टाइट रहता है, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मुझे कुछ कुछ जगह में देने में बहुत इजी होती है, जैसे मुझे यहाँ पे ये चीज़ें देनी है तो मुझे कंट्रोल जो है यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये एक तो पेंसिल है जो हम जनरली हमें आदत होती है पेंसिल का यूज़ करने की, वो तो है ही है, और साथ में आपका ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, तो दोनों का रिजल्ट भी आप देख सकते हो, और जितना आपको शार्पन करना है आप शार्पन कर सकते हो, और एक्स्ट्रा हेयर जो आपके निकले हुए तो ये कुछ कर सकते हैं, और ये जो मैंने किया है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, जैसे कि अगर हम इसको ब्लेंड करते हैं, जैसे जनरली हम स्किन के लिए ब्लेंड करते हैं, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक इसको ब्रश से ब्लेंड करूँगा मैं, और सेम मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे भी, दोनों को यूज़ कर लिया। अभी देखते हैं सबसे पहले मोनो इरेज़र से, अगर हमें जैसे हेयर का कुछ अगर निकालना हो, तो ये जो इफेक्ट है ये हमने मोनो इरेज़र से लिया, और इसमें तो उतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा, अभी हम इसका देखते हैं। आपको कहीं से भी अलग नहीं दिखेगा ये, बहुत सारे लोग जो हैं एक को अगर किसी एक आर्टिस्ट ने फॉलो किया कि मुझे मोनो इरेजर ही यूज़ करना है तो सब लोग वही ही यूज़ करने लगते हैं, लेकिन मार्केट में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो एक तो प्राइस भी कम है, अंडर 300 के करीब में ही आपको ये पेंसिल भी मिलता है, और इसमें तीन पेंसिल्स हैं जो इरेजर पेंसिल है, तीन हैं और इसका आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप हेयर का भी जो हम लाइट एकदम लाइट हेयर बनाते हैं तो वो भी मैं आपको एक बताता हूँ, इसका बेनिफिट मैं एक और बताता हूँ। जैसे हेयर में हम लोगों ने किया, जैसे आप देख रहे हो इसको मैंने इसको ब्लेंड किया, और कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा हेयर निकालने होते हैं, जैसे डार्क बैकग्राउंड में या फिर आपको, तो हमें जो अगर आप बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें भी बना रहे हैं, जैसे हम कुछ बैकग्राउंड में भी जैसे आप देख रहे हो टेक्सचर देते हैं, तो मैं हेयर के जो ग्रेफाइट है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो हम बैकग्राउंड भी यहाँ पे देते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो एक स्क्वायर बैकग्राउंड में हम लोगों ने लिया यहाँ पे। अब मुझे इसमें हेयर का भी जो एक एक लाइंस हैं जो बहुत ज़्यादा हम डिटेल करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो ये, तो ये जो हेयर निकला हुआ एक एक डिटेल जो हम लोग निकालते हैं ये ऐसे, तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिया, और इसमें हम फिर पेंसिल का भी यूज़ करते हैं, और इसके लिए मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल, क्योंकि जो भी एक हेयर जो निकले होते हैं एक्स्ट्रा आप दिखा सकते हो थोड़ा नेचुरल लुक लाने के लिए, जैसे ये देख रहे हो, और ये चीज़ें हम मोस्टली मोनो इरेजर से करते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसका भी यूज़ कर सकते हैं,
कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आप देख रहे हो एक कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है यहाँ पे आपको चीज़ों को, जैसे कि लाइट के आप लाइट के साइड से अगर आप हेयर को दिखाना चाहते हैं, जैसे ये देख रहे हो एक एक हेयर जो है वो अच्छे से निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये रिज़ल्ट अगर आपको कम प्राइस में मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे मैकेनिकल पेंसिल का। तो ये हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स जो हैं जो बिखरे होते हैं, जो एक नेचुरल लुक देता है हमें, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बना लिया। तो अभी आप देख रहे हो कि किसमें बेनिफिट ज़्यादा है, और हमें दोनों चीज़ें भी देखनी पड़ती है। जब भी हम आर्ट वर्क लेते हैं तो हमें प्राइस भी कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि प्राइस भी एक बड़ा मैटर करता है इसमें की चीज़ों को, क्योंकि आर्ट मटेरियल भी बहुत सारे जो हैं बहुत ही सस्ते भी नहीं आते, और जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हैं तो वैसे वैसे चीज़ों के जो प्राइस है वो भी बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी आप मैंने पेंसिल जो अभी यूज़ किया है बयानियों का है, तो फिर कुछ टाइम के बाद अगर आप अपग्रेड करोगे तो आप स्टेडर का भी यूज़ करोगे, जैसे ये आप कुछ पेंसिल देख रहे हैं तो इसका भी हम यूज़ करने वाले। तो जैसे जैसे अपग्रेड करते हैं तो प्राइस का रेट भी होता है, लेकिन हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अगर आपको कम से कम प्राइस में अगर बेटर प्रोडक्ट मिलता है, तो मेरा मोटो यही रहता है कि हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने का, तो मैं अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट है वो आपको दूं, और होपफुली आप लोग को बेनिफिट मिला होगा इससे। और जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें बेनिफिट मिलती हैं तो कुछ जो है सपोर्ट आप मुझे कर सकते हैं, जैसे आप ये ज्वाइन बटन है उसमें से आप कुछ मुझे अगर ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं उसको लेके आऊँ आप लोगों के बीच में, जो कि अभी आप सबसे बड़ा इशू था कि उसका प्राइस का इशू था या फिर मोनो इरेजर का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके के प्रोडक्ट और भी हैं बहुत सारे लाइनअप में जो मैं लेके आऊँ, तो उसके लिए फिनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं मुझे। और ये सारी जो चीज़ें हैं अभी तो अभी अभी के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।